नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर करेक्ट यूसेज के एंगल से कुछ ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, इनको करते हैं एक एक करके। अगले जो वर्ड हैं वो आजकल, वो सारे तो नहीं पर उनमें से एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा आजकल, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो, और वो है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक देखिए एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड पेंडेमोस से बना है। पेंडेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग या डिस्ट्रिक्ट एरिया, आप इसको लोग समझ लें। आपने सुना होगा डेमोग्राफी, मुझे डेमोग्राफिक फिगर चाहिए। डेमोग्राफिक फिगर का मतलब है मुझे लोगों के बारे में डिटेल चाहिए कि यहां पर कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने, वो वहां की डेमोग्राफी है। पैन का मतलब होता है बहुत बड़ा विस्तार, पूरा का पूरा फैला हुआ। तो पेंडेमिक पेंडेमस से बना और पेंडेमिक वर्ड बन गया। इसी तरह से एपिडेमिक, तो एपिडेमस से बना, ये भी ग्रीक वर्ड है। एंडेमिक एंडेमस से बना, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो एन का मतलब होता है इन, इसका मतलब होता है ऑन, और इसका मतलब होता है ऑल। डेमोस का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई कस्टम रीति रिवाज या कोई बीमारी अगर किसी एरिए में हो, किसी खास एरिए में हो, तो उसको वहां की एंडेमिक बोलते हैं। जैसे सती प्रथा थी, आपको पता ही है कि ये राजस्थान के एक खास एरिए में खास ही लोगों को प्रभावित करती थी, उन्हीं लोगों में वो चीज थी। तो सती, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एंडेमिक टू ए पार्टिकुलर रीजन इन राजस्थान, एंडेमिक हुआ वो, उस रेस्ट्रिक्टेड थी एक खास जगह तक, कुछ खास लोगों में ही थी वो, एंडेमिक हुआ। इसी तरह से जब COVID-19 शुरू में पता लगा, चीन के वुहान शहर में इसका पता लगा, तो उनको ये लगा कि ये एंडेमिक है, यानी यहां जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उनको प्रभावित कर रही है ये। तो तब तक वो एंडेमिक थी, फिर वो फैली और पूरा जो हुबेई प्रांत था चीन का, पूरे में फैल गई, उसका विस्तार हुआ, ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, तो वो एपिडेमिक हो गई। एंडेमिक थोड़े एरिए में होती है, लोकलाइज्ड होती है, एपिडेमिक विस्तृत होती है, बहुत ज्यादा जगह में होती है, ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। पेंडेमिक उससे भी ज्यादा है, जब सभी लोगों को प्रभावित करे वो पेंडेमिक होती है। ये मेडिकल की टर्म में मैंने बताया, और एंडेमिक तो मेडिकल के बाहर रिवाज के लिए भी बताया। इसी तरह से एपिड को अगर मेडिकल के बाहर आप देखें तो जैसे करप्शन, करप्शन वो लोग कहते थे यार ये तो पूरे देश में हो गया, व्यापक किसका फैलाव है, तो एपिडेमिक हो गया वो एक तरह का। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कभी कभी एक हास्य कलाकार या हास्य कवि जैसे ही स्टेज पे आता है हम अपने आप ही हंसने लगते हैं,
तो वो हंसी एक से उसका चेहरा देखते ही फैलती जाती है, वो एक तरह की एपिडेमिक लॉफ्टर हुई। पेंडेमिक का तो दायरा ही बहुत ज्यादा होता है, सब जगह होती है। जैसे WHO ने जब इसको डिक्लेयर किया था पेंडेमिक को, COVID-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था 2020 के शुरू में, तो जब उनको पता था कि यह सब जगह फैलेगी तभी किया था। और आज तो ऐसी स्थिति है कि दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा हो कि जहां अब तक यह बीमारी ना गई हो। तो यह पेंडेमिक स्तर हुआ, तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक ये हुआ। इस पेन वर्ड से संबंधित एक दो वर्ड आपने सुने होंगे अंग्रेजी में पढ़ते पढ़ते, पढ़े भी होंगे, जैसे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम शब्द का प्रयोग जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में भी किया था। पेंडेमोनियम एक्चुअली नरक की राजधानी को कहते हैं। और नरक में क्या होता है, फ्री फॉर ऑल, जो मर्जी कोई कुछ करे, ना किसी का डर है, ना किसी की शर्म है, ना किसी का खौफ है, जो मर्जी करो, जिसके हाथ में जो कुछ आ जाए करो, खा जाओ, पी जाओ, मार जाओ, दाट जाओ। तो ऐसी स्थिति जब बन जाए तो उसको कहते हैं कि पेंडेमोनियम हो गया। उसको पेंडेमोनियम बोलते हैं। इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा, पंडोरास बॉक्स। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में धर्मराज जी सब का हिसाब लेते हैं, अच्छे का बुरे का जितना किया है सबका, उसके जो लेखाकार हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं चित्रलेख जी, सारा हिसाब रखते हैं सबका, बही में लिखते हैं। और जब आदमी मौत के बाद उनके पास जाता है तो उनको जैसा उसने किया है उसके हिसाब से उसको दंड मिलता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में भी है, उनके जो लेखाकार हैं, जो हिसाब रखते हैं, जिसने गलत किया उसको सजा देनी है, उनके पास एक बॉक्स होता है जिसमें सारी बुराइयों का वर्णन होता है कि ये बुराई, ये सजा, ये बुराई, ये सजा, इसने ये किया, सबका रिकॉर्ड भी होता है। तो उनको, उनकी हेल्प के लिए एक लेडी दी गई सबसे पहले, उसका नाम था पंडोरा। उन्होंने क्या किया कि पंडोरा ने काम करना है, उन्होंने उनको एक बॉक्स दे दिया। उस बॉक्स में सारी ईवल्स, सारे ट्रबल्स उस बॉक्स में थे। उसको कहा कि इसको खोलना नहीं है, धीरे धीरे करके देखेंगे, इससे पता लगाते रहेंगे किसने क्या किया है, क्या ट्रबल किया है, क्या ईविल की है, तब उसके हिसाब से सजा देंगे। अब उसने गलती से उसको एक दिन खोल दिया, और खोल देने से क्या हुआ, सारी बुराइयां, सारे ट्रबल सब बाहर निकल गए। ऐसा ग्रीक मैथोलॉजी बोलती है। तो उस बॉक्स को जो पंडोरा के पास था उसको पंडोराज बॉक्स बोलते हैं। इसीलिए जब कभी कोई एक आदमी पकड़ा जाए, बहुत गलत काम हो रहे हैं वो कहीं पर, और एक आदमी पकड़ा जाए उनमें से, और वो सब कुछ बता दे, उसके बाद तो चेन बन जाती है। उसने उसका नाम लिया, उसने उसका नाम लिया, ये गलत काम किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, सारी बुराइयां, सारी आफतें आ जाती हैं उस एक आदमी के बोल देने से। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि उसने पंडारा बॉक्स को खोल दिया। ये पंडारा बॉक्स का यूज है। एनीवे, मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए कुछ उपयोगी लगा होगा, आपने जो टाइम लगाया है उसका फायदा हुआ होगा। बताइएगा जरूर वीडियो के एंड में कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार।